जब विश्व बैंक की वानिकी परियोजना मध्य प्रदेश में आई, ये मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना इस देश में जंगल से संबंधित विश्व बैंक की या विदेशी सहायता से चलने वाली सबसे बड़ी परियोजना, इसमें तमाम लफाजियां थी, संयुक्त वन प्रबंध की बात थी, अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों को बचाने की बात थी, लेकिन बुनियादी इसमें गड़बड़ी यही थी कि इसकी भी मान्यता यही थी कि जंगल को बचाना है तो जंगल और आदिवासी को अलग करना होगा। आदिवासी को जंगल जाने की जरूरत नहीं है, विश्व बैंक के पैसे से उसको उसके लिए कोई महुआ बीनने जाने की जरूरत नहीं है, हम गांव में मुर्गियां दे देंगे, कोई रोजगार दे देंगे, जंगल से लकड़ी जलाऊ लकड़ी लाने की जरूरत नहीं है, हम गोबर गैस का प्लांट बना देंगे, उसको जंगल में मवेशियों चराने की जरूरत नहीं है, उन्नत इतने मवेशी रखने की जरूरत नहीं है, उन्नत विदेशी मूल विदेशी जातियों के जानवर रखें और स्टॉल फीडिंग करें, ये सब बातें उसमें थी। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये खतरनाक चीज़ है, जंगल और आदिवासी को अलग करने की एक साजिश है, और इसलिए मध्य प्रदेश के जितने जन संगठन थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, विश्व बैंक की योजना का, और जगह जगह इसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन हुए, अंततः विश्व बैंक को इस योजना को बीच में ही रोकना पड़ा।